हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास जो भी बैठे हैं, उन सभी को भी मेरा नमस्कार। जैसे आप जानते हो बच्चों, हम हिंदी के 6 पाठ पढ़ चुके हैं। इस जुलाई मंथ में हमने 6 लेसन तक, जो है 6 पाठ तक हमने कवर कर लिया है। तो आज से हम इनका जो है दोहराई शुरू करेंगे। क्या हमने पढ़ा, क्या हमें समझ आया, और क्या हमें पता है कि जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसका हमें कितना ज्ञान है, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो जैसे हम पिछली कक्षाओं में करते थे कि अपनी वर्कबुक निकालते थे और उन वर्कबुक में से हम जितनी भी हमारी प्रश्नोत्तरी होती थी, दोहराई होती थी, अभ्यास होती थी, हम वो करते थे। तो आज ही वैसे ही हम इनकी दोहराई शुरू करेंगे। जैसे हमने पहली कविता पढ़ी थी, जब बोलो तब हंसकर बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो, तो उसी कविता के बीच में से आज का ये दोहराई का हम लेसन करेंगे। इसको हमने वर्कबुक के ऊपर करना है। आपके पास वर्कबुक होंगी, आपको मिली है, आपने अच्छे से संभाली हुई हैं। आज उनको निकालिए, बिल्कुल मौन होकर बैठ जाइए। सबसे पहले आप अपना पेन निकालिए, एकांत में बैठिए, किसी को साथ में मत बिठाइए, शोर मत होने दीजिए, तभी आपको लेसन अच्छे से समझ आएगा और आप अच्छे से इसको कवर कर पाओगे। इस जो वर्कशीट है इसको आप कंप्लीट कर पाओगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। कविता है, जब बोलो तब हंसकर बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। तो इसके हिसाब से ही हमने ये प्रश्नोत्तरी बनाई हुई है, पहले से ही हमने ये वर्कशीट तैयार की हुई है। तो डिपार्टमेंट ने, स्कूलों ने, अध्यापकों ने मिल करके इसको तैयार किया हुआ है। तो इसके आधार पर हमको पता चलता है कि हम हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो जानकारी है इस कविता के बारे में कितनी है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं, पहली जो वर्कशीट है हिंदी की उसको हम लेके आगे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस वर्कशीट में क्या है। तो बने रहिए, आप बिल्कुल एकांत होकर के बैठ जाइएगा और शुरू करते हैं। सबसे पहले रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान बच्चे क्या होते हैं आपको पता है, आपने 4th कक्षा में भी पढ़ा होगा कि पंजाबी विच जिस तरह खाली स्थान पर हो कहने हैं, इस वैसे ही हम जो है इसको रिक्त स्थान बोलते हैं। तो पहला है, हमें डैश कर बोलना चाहिए। हमें क्या कर बोलना चाहिए, हमें हमेशा हंस कर बोलना चाहिए, या हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो कविता में दोनों बातें ही हैं, तो हम इसमें चुनेंगे कि हमारा उत्तर क्या सही है। तो इसमें हम किसको रिक्त स्थान में भरेंगे, इसको हम भरेंगे सोच समझ कर। ठीक है, सोच समझ कर आगे लिखा हुआ है उन्होंने, सोच समझ इसको भर देंगे। तो जैसे मैं टिक लगा रहा हूँ, तो इसको हम रिक्त स्थान के ऊपर भरेंगे। आपने कविता भी पढ़ी होगी कि हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो दूसरा रिक्त स्थान है, उसको देखते हैं। हमें डैश रिक्त स्थान बात नहीं करनी चाहिए। कैसी बात नहीं करनी चाहिए, हंसकर, अकड़कर, मीठी, सोच समझ कर। देखो बच्चे, हमको सोच समझ कर भी बात करनी चाहिए, मीठी बात भी करनी चाहिए, है ना। तो हमको हंस कर भी बात करनी चाहिए, तो कैसी बात नहीं करनी चाहिए, अकड़ कर। वेरी गुड, तो इसको लगा देंगे हम अकड़ कर। हमको अकड़ कर बात नहीं करनी चाहिए, उसकी उस पर हमको टिक लगा देंगे, जहाँ उसको रिक्त स्थान में भर देंगे। रिक्त स्थान दिया हुआ है तो आपको रिक्त स्थान पर ही भरना है। अगर आप साथ में टिक भी लगाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि आपको सारा पता है। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। हमें मन की गांठें कैसे खोलनी चाहिए। हंसकर खोलनी चाहिए, रोकर खोलनी चाहिए, ऊंची आवाज में खोलनी चाहिए, या गुस्से से खोलनी चाहिए। बताइए किस पर टिक लगाएंगे। मैंने तो सभी पर लगाया है, आपको आप किस पर लगाओगे।
हमें मन की गांठें हंस कर खोलनी चाहिए। जो कविता ही हंसकर है तो सभी बातें इसकी हंसकर ही आएंगी। तो हम इसको क्या भर देंगे, हंसकर। इसके आगे देखिए, हमें दूसरों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। बताओ बच्चों, हमको दूसरों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। नीचे दिया हुआ है, आप चुनेंगे इसमें। झुककर, सोच समझकर, हंसकर, या फिर उपरोक्त सारी। इसका मतलब होता है कि सभी बातें जो तीनों बताई गई हैं पिछली। तो कैसे बात करनी चाहिए हमें, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चों ने अंदाज़ा लगा लिया है कि हमें तीनों बातों को ही मानना होगा। हंसकर भी बात करनी चाहिए, झुककर भी बात करनी चाहिए और सोच समझ कर भी बात करनी चाहिए। तो जहाँ पर आंसर, उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सारी। तो आप जहाँ पर टिक लगा दोगे, जहाँ पर मैंने लगाई हुई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 है। जब बोलो तब हंसकर बोलो, अगली पंक्ति बताएं। अगली पंक्ति कौन सी होगी, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कविता के, इसकी अगली पंक्ति क्या होगी। आप नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप उनको देखिए। पहले देखिए ध्यान से, सोच समझ कर, रुक कर बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो, सदा सच बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। तो कौन सा आएगा पता, यहाँ पर कौन सी लाइन आएगी नेक्स्ट, जो कविता की लाइन है क्या आएगी। जब बोलो तब हंस कर बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, आपको याद आ गया होगा कविता को, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, छठा प्रश्न। रच शब्द का क्या है, ऊपर आया ना कभी न बातें रच रच बोलो, तो रच का अर्थ क्या होता है बेटा, आपको आपके अध्यापक ने करवाया होगा, मैंने तो करवाया था। शाबाश, बताइए, सोचिए, यहाँ पर टिक लगाइए कौन सा होगा। चल, सब, जच, रस। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका अर्थ होता है, रच रच बोलना का अर्थ होता है जल्दी जल्दी बोलना, अपने मन से ही बोलना, जो मन में आए वही बोलते रहना, उसको रच रच कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है इसका तुकांत क्या होगा, इस जैसा ही अक्षर, सॉरी शब्द जो है कौन सा मिलेगा आगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है रच, तो रच का क्या आएगा, जच। वैसा ही तुकांत मिलना है हमने, तो यहाँ पर क्या आएगा, जच, रच और जच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे जच। तो जच हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। हमें सदा डैश बोलना चाहिए, ये तो सभी बच्चों को पता है, कविता में बार बार कहा गया है, लास्ट में भी कहा गया है। तो हमें सदा क्या आ जाएगा, सच बोलना चाहिए, हमें सदा सच बोलना चाहिए। नीचे गुरुमुखी लिपि में लिखे वाक्यों को देवनागरी लिपि में लिखें। जैसे हम गुरुमुखी लिपि में बच्चों लिखते हैं ना, जैसे अपना नाम लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, ऐसे उन्होंने वाक्य दिया हुआ है गुरुमुखी लिपि में, तो वो दिया हुआ है हंस के बोलो। तो यहाँ पर हिंदी में कैसे लिखेंगे, आपको तीनों अक्षरों शब्दों को ढूंढना होगा, आप लिख पाओगे। अगर आपको मदद चाहिए तो आपके इस वर्कशीट में भी ये तीनों शब्द हैं, आप ढूंढ सकते हो। जैसे बोलो शब्द है तो ये रहा बोलो, ठीक है। तो हंस शब्द भी है, हंस के ऊपर चंद्रबिंदु आता है आपको पता है, और स आता है, तो ये रहा हंस, इन्हों हंस कहते हैं, हंस कर बोलो, हंस कर होता है। तो बोलो शब्द आपको बता दिया मैंने, हंस कर बता दिया, तो के तो आपको आता ही होगा, क के ऊपर एक
बड़ी एक मात्रा डलती है और की बन जाता है। ठीक है, तो नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। किताब में किताब से किताबों किताब से किताबों तो बात से अगर किताब हो तो उससे बनता है किताबों, तो अगर बात हो तो क्या बनेगा? बातों। सिंपल है ना? तो बातों कहाँ है आप ढूंढ लीजिए। ये रहा बातों, आप इसको रिक्त स्थान पर भर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको भर सकते हैं। 10वां प्रश्न देखिए। सच झूठ, सच का अगर झूठ होगा तो हंसना क्या क्या होगा? देखिए, उदास होना होगा, रुलाना होगा, रोना होगा, दुखी होना होगा। सिंपल शब्द के साथ तुकांत मिलिए। देखिए, सच झूठ हंसना रोना, सिंपल है वो भी, बहुत आसान है ये भी। ठीक है, तो इसका क्या होगा? रोना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रोना। 11वां प्रश्न देखिए। सच झूठ, सॉरी ये तो हमने कर लिया। 11वां क्वेश्चन देखिए। सही शब्द पर घेरा लगाएं, जो आपको शब्द सही लगता है। अब यहाँ पर आपकी लिखने की परख होगी कि आप कैसे शब्द को लिखते हो, आपको लिखना आता है, अच्छी तरह से समझ है। जो हमारे मात्राएं हैं हिंदी में, मात्राएं लगती हैं, जो शब्द बनते हैं, स्वर हैं, वर्ण हैं, क्या आपकी पहचान है उनको? 4th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 5th क्लास में भी प्रैक्टिस की है आपके अध्यापकों ने, बहुत आपकी मेहनत करवाई है आपको। तो चलो देखते हैं कि आपकी मेहनत क्या बोलती है। ये पहला शब्द है मिश्री। ठीक है, तो मिश्री कैसे होता है? म को छोटे की मात्रा, स और अ को बड़ी की मात्रा, मिश्री। उसके बाद है मिश्री, ये देख लिया आपने मिश्री। आगे देखिए और इससे ना लास्ट में देखिए मिश्री। ये शब्द तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन सही आंसर क्या होगा इसका ढूंढिए। तो सर डलता है बेटा हमेशा ही, अब कविता में भी देख सकते हो आप, मेरी इन शब्दों पे मात्र ही कविता को पढ़िए, उसमें देखिए मिश्री कैसे है। तो सर लगता है, तो स के साथ ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है। हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम होता है सत्कार करना, नमस्कार करना, हाथ जोड़ करके, पांव को हाथ लगाना, उनका जो है सत्कार करना। तो कैसे करना चाहिए? कभी कभी करना चाहिए, इनाम मिलने पर ही करना चाहिए, हर रोज़ करना चाहिए, या उनके कहने पर ही करना चाहिए? तो हमको हर रोज़ जो है उनको प्रणाम करना चाहिए, जी हमें आदत होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर यहाँ का इसका? हर रोज़। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। आपस में मिलजुल के रहने से बढ़ता है, क्या बढ़ता है बेटा? सम्मान बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, कि पैसा बढ़ता है? हमारा सम्मान बढ़ता है, इससे हमारा सम्मान बढ़ता है। सम्मान पर लगाएंगे, खर्चा नहीं लगाएंगे, पैसा नहीं लगाएंगे, सम्मान लगाएंगे। ठीक है बेटा, इसके आगे देखते हैं क्या है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, इसमें आपने ढूंढना है कि कौन से वाक्य जो हैं, या कौन सा वाक्य ऐसा है जो इस पाठ में, इस कविता में नहीं कहा गया होगा, आपको ये गैस करना है, ढूंढना है, बताना है। तो चलिए देखते हैं। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। दूसरा वाक्य, हमें अपनी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए, हमें झुक कर बोलना चाहिए, हमें हंस कर बोलना चाहिए। तो कौन सा वाक्य है जो इस कविता में नहीं आता, या इस कविता में नहीं बताया गया, पंक्ति के रूप में नहीं बताया गया? वाक्य तो चलने चलो नहीं होगा, पंक्ति होगी। आपको ढूंढना है कि इस वाक्य को अगर बनाना पड़े तो उस पंक्ति में से कौन सा वाक्य नहीं बनेगा। तो बच्चों पहला ही है, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, कहीं पर भी स्नान करने की बात नहीं है,
हमें हंसकर बोलने की बात है, झुकने की बात है, सत्कार करने की बात है, सोच समझकर बोलने की बात है, ठीक है, हंसकर बोलने की बात है, ठीक है। तो ये बात कहीं पर भी कविता पर नहीं कही गई है, तो आप इस पर टिक लगा सकते हो। 15वां क्वेश्चन है बेटा, कविता में हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता को पढ़ने के बाद बेटा कुछ भी पढ़ाया जाता है, कुछ भी लिखवाया जाता है, कुछ भी समझाया जाता है, तो याद रखो उसकी कोई ना कोई शिक्षा, उसका कोई सारांश हमारे लिए सकारात्मक दिया हुआ होता है, इसीलिए ही वो हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो इस कविता को पढ़ने के बाद हमें कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, तो बताइए कौन सी अच्छी बातें इस कविता को पढ़ने के बाद हमें समझ में आती हैं, हमें सीखने को मिलती हैं, तो बताइए। आप अपने विचार जहाँ नीचे देख सक दे सकते हो, तो आपकी मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि वर्कशीट है आपको लिखनी है। तो आप पहला वाक्य लिख सकते हैं कि हमें इस कविता को पढ़ने के बाद ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें दूसरों का, बड़ों का सत्कार करना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, और हमें कभी भी कोई भी काम जो है जल्दी में नहीं करना चाहिए, उसको धैर्य से करना चाहिए। तो ये बातें हमें इस कविता में सीखने को मिलती हैं, ठीक है बेटा, कि कविता का जो आपने पढ़ा उसका दोहराई था, तो इस दोहराई को आपने बार बार करना है, कविता को एक बार फिर से पढ़ना है, चाहे दोहराई ही है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमने वर्कशीट जो है शुरू की हुई है उसका अभ्यास भी हमने करना था, हो सकता है आपने वर्कशीट की हो, अगर नहीं की है तो उसका अभ्यास करके उसको पूर्ण कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आपकी अच्छी शुभकामनाएं आपको देता हुआ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क की ज़रूरत आपको हमेशा रहेगी, आप ज़रूरत वर्त तो करते रहिए उसकी, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, बड़ों का कहना मानिए, गली बाज़ारों में मत निकलिएगा, घरों में रहिएगा, यही हमारी सुरक्षा का एकमात्र समाधान है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में किसी और वर्कशीट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, आप अपना ख्याल रखिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत शुक्रिया, सभी को नमस्कार।